ये आपका अगला क्वेश्चन है। कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, इसमें कहता है कि बॉम्बे कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2012, ठीक है जी, 31 मार्च 2012 को ये लिक्विडेट हो रही है। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट दिस डेट वर एज फॉलो। आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है 750, रिलीज फ्रॉम इन्वेंट्रीज दिया हुआ है 29,600, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके पास 49,200, फर्नीचर आपको दिया हुआ है 1,050, इन्वेस्टमेंट विद बैंक फ्रॉम ओवरड्राफ्ट ₹4,900, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ₹53,775, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 5 to 95, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000, 6% डिबेंचर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज एंड ऑन विच इंटरेस्ट हैव बीन पेड अप टू 30 सितंबर 2011, 44,000, बैंक आफ्टर डिडक्टिंग इट्स अमाउंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ₹4,900 गेव द सरप्लस टू द लिक्विडेटर्स, जो भी सरप्लस होगा लिक्विडेटर को यहाँ पे कर दिया जाएगा। एंड डिबेंचर्स वर पेड ऑन 30 सितंबर 2012, इनकी पेमेंट की डेट है डिबेंचर्स की। रेमोनरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स 3% ऑन नेट अमाउंट रिलीज एक्सक्लूडिंग द अमाउंट गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अमाउंट देने के अलावा जो अमाउंट रहेगी उस पर आपने ये अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बट इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को इंक्लूड करना है। उसके बाद ये आगे कहता है 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हटा के, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट टू ₹1,015। ये कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जो है आपको इसमें गिवन है। तो अब आपने यहाँ पर बनाना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब इसमें सेम आपके कॉलम बनेंगे, ये आपका रिसिप्ट का कॉलम रहेगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पर आपका पेमेंट का कॉलम रहेगा और यहाँ पर आपका गेन रिसिप्ट का कॉलम रहेगा। इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। सबसे पहले आपका आएगा टू कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको ऊपर दिया गया था 750, वो इधर आ जाएगा। उसके बाद आएगा टू असेट रियलाइज्ड, असेट रिलीज में आपको जैसे ऊपर दिया गया था इन्वेंट्री आपको दी गई थी 29,600, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी पहली तो इन्वेंट्री 29,600। उसके बाद आपको दिया गया था ट्रेड रिसीवेबल्स ये आएंगे आपके 49,200। उसके बाद आपके पास है फर्नीचर, ये भी आपको यहाँ दिया गया था 1,050। उसके बाद जो सरप्लस निकल के आएगा, सरप्लस आपको बोला गया था इन्वेस्टमेंट विद बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट ₹4,900, ये बैंक के पास रखा गया था, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट आपकी है। अब जो नीचे इसने यहाँ पे आपको बोला था कि आपको बोलता है कि बैंक आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,900 गेव द सरप्लस टू द लिक्विडेटर, मतलब जो सरप्लस है वो लिक्विडेटर को यहाँ पर पे कर दिया जाएगा। अब जो ऊपर आपका बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट है और जो ये अमाउंट आपको यहाँ पर बताया गया है वो आपने इसमें जस्ट थोड़ा देखना है, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पर गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट आपको जो दिए गए हैं वो आपने चेक करने, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको यहाँ पे गिवन है 4,000, ये देखिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 और इन्वेस्टमेंट है आपके 4,900 की, तो इसका मतलब ये है कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपके 4,000, इन्वेस्टमेंट 4,900 है, तो आपको सरप्लस यहाँ पर कितने का मिल जाएगा 900 का, क्योंकि इसने बोला था कि अपना अमाउंट काटने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो उसे वापस कर देगा, तो यहाँ पे आएगा 81,500।
उसके बाद अगला यहाँ पर आपने करना है, यहाँ पे आएगा बाय लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, आपके लिक्विडेटर की जो रेमुनरेशन है। सबसे पहले इसमें बोला गया था 3% ऑन अमाउंट रिलीज्ड, ठीक है, जो अमाउंट रिलीज हुए एक्सक्लूडिंग द अमाउंट गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब इसमें इंक्लूडिंग कैश इन हैंड, इसको लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। पहले हम क्या करते थे कि एसेट रिलीज का मतलब ये होता था कि जैसे 4900 इसमें रिलीज हुए हैं तो 4900 यहाँ पर ऐड होते थे, लेकिन इसने बोला है कि जो हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अमाउंट दे दिया है उसको आपने इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका मतलब 4900 में से 4000 तो हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे चुके हैं जो कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था, 900 हमने नहीं दिए हैं तो उसको आपने यहाँ पर इंक्लूड करना है जब आप कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो कमीशन आपको जैसे इसने बोला है कि 3%, तो 3% आपकी कैलकुलेट होगी 81,500 पे, वो अमाउंट आएगा आपका 2445। उसके बाद की कमीशन हम बाद में देखते हैं, पहले हम एक्सपेंसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडेशन का जो एक्सपेंस है वो आपने यहाँ पर लेना है। लिक्विडेशन का एक्सपेंस आपको इसमें दिया गया है 1015, ये लास्ट में आपको दिया गया था, लिक्विडेशन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ₹2,1015, वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपके आएंगे 6% डिबेंचर, डिबेंचर आपको दिए गए हैं 44,000, ये आपको ऊपर क्वेश्चन में आपको बता दिया था जो डिबेंचर्स यहाँ पर गिवन है ये आपको दिए गए 6% हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस एंड ऑन विच इंटरेस्ट पेड 30 सितंबर तक का है, 44,000 आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें भी आपने सेम इंटरेस्ट निकालना है, अब वो इंटरेस्ट डिपेंड करेगा कि कंपनी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। अब इसमें हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 5 to 95। उसके बाद आपको जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो भी यहाँ पर गिवन है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आपने करना क्या है कि जो बैलेंस आपका बचेगा वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो टोटल अमाउंट है वो है 53,775। अब अगर इसमें से आप इन सबको एडजस्ट करते हैं तो आपकी जो पूरी अमाउंट है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस केस में पहला तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी तो रहेगी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट रहेगी तो जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अब आपका जो पे किया जाएगा वो आपकी उस डेट तक पे किया जाएगा जब कंपनी की लिक्विडेट होता है। तो कंपनी यहाँ पर लिक्विडेट हो रहा है 31 मार्च 2012 को, तब आपने काम क्या करना है कि अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2012 तक का इंटरेस्ट निकालना है। मीन्स 44,000 पे 6 बाई 100 6 बाई 12, तो ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे 1320, बाहर आंसर आ जाएगा 45,320। तो ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक के महीने इसमें काउंट किए गए हैं। अब यहाँ पर अब देखोगे तो अब आपकी कंपनी तो इंसॉल्वेंट है, तो यहाँ पर जो कमीशन देना है 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोला गया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को छोड़कर, तो यहाँ पर 81,500 में से इन सबको माइनस करोगे, इसको भी माइनस करना है। ये आपने पहले ही चेक कर लेना है कि कंपनी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, तो इसलिए जब आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैलकुलेट करोगे तो ये निकालने के बाद आपने फिर माइनस करके बैलेंस यहाँ पर निकलेगा, आपका बैलेंस आता है 27,425, ये बैलेंस निकलेगा इसमें से, इसको 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 माइनस करके, इन सबको माइनस करके। अब इस पर आपने 2 बाई 100 करना है, कारण आपको बता दिया क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अगर पेमेंट पूरी नहीं होती है तो 2 बाई 100 होता है, और अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी हो जाती है तो उस केस में 2 बाई 100 रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आएगा 538, और जो बाकी बैलेंस बचेगा आपका 26,887 वो आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिट्स में पेमेंट हो जाएगा, टोटल आपका ये आ जाएगा 81,500। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको आप करके देखिएगा। थैंक यू।